अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, जमात नहुम की 1.3 होप इज़ द थिंग विद फीदर्स। इसकी एक्टिविटीज़ उम्मीदों का पंख, इसकी एक्टिविटीज़ चिट चैट, वर्ड्स मीनिंग और इंग्लिश वर्कशॉप में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। होप इज़ द थिंग विद फीदर्स, पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। घोंसला, परचेस ऑन घोंसला, गेल हवा या तूफान, शोर तकलीफ द जख्म, अबैश परेशान होना, चिल्लस लैंड मुश्किल हालात, एक्सट्रीमिटी बहुत मुश्किल वक्त, क्रम टुकड़ा चूरा, स्ट्रेंजेस अजीब तरीन। चलिए यहाँ कुछ चिट चैट के सवाल आते हैं, उसके जवाब देख लेते हैं। डू यू एवर फील नर्वस, कभी आपने अपने आप को नर्वस महसूस किया है? येस आई फील नर्वस समटाइम्स, बाज़ औक़ात मुझे नर्वस फील होता है। डू यू एवर फील रियली डिप्रेस्ड, कभी आपने अपने आप को कम हिम्मती महसूस किया है, डिप्रेस्ड महसूस किया है? येस आई फील डिप्रेस्ड सम डेज आई गो, हाँ मैं कुछ चंद दिनों पहले अपने आप को कम हिम्मत महसूस कर रहा था। व्हाट मेक्स यू नर्वस और डिप्रेस्ड, आप नर्वस या डिप्रेस्ड क्यों होते हैं, क्यों कौन सी चीज़ आपको कर देती है? एनी काइंड ऑफ फेलियर मेक्स मी नर्वस और डिप्रेस्ड, किसी किस्म की नाकामी मुझे नर्वस या डिप्रेस्ड कर देती है। व्हाट डू यू होप ऑन दीज ऑकेशंस व्हेन यू फील डिप्रेस्ड, आपकी क्या उम्मीद होती है ऐसे मौके पर जब आप अपने आप को कम हिम्मत महसूस करते हैं? आई होप समवन कैन हेल्प मी ऑन दीज ऑकेशंस, मुझे उम्मीद होती कि है कि ऐसे अवकात में कोई मेरी मदद के लिए आगे आएगा। हैव यू होप फॉर समथिंग डैट यू न्यू वॉज डिफ़िकल्ट, ऐसी कोई चीज़ आपको याद है जो आपको मुश्किल लगती थी? यस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन व्हेन माय मैथ्स पेपर वाज ड्यू, हाँ जब इम्तिहानात के दौरान जब मेरा रियाजी का पेपर होने वाला था तब मुझे कम हिम्मती महसूस हो रही थी लेकिन उम्मीद भी थी। व्हाट डू यू हैव टू डू द फिल टू फुलफिल योर होप्स, आप क्या करेंगे अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए? दिस काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग टू हैपन एवरी नाउ एंड देन, इस किस्म की चीज़ें हमेशा होती रहती है कभी कभार। आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू फेस दिस सिचुएशन, और मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है इस किस्म के हालात से मुकाबला करने के लिए। चलिए देखते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, ये मैच द फॉलोइंग है, इसको हमने डायरेक्ट ही आंसर लिखे है। होप, होप का इसका सामने का जोड़ी है। बर्ड, गेल स्टॉर्म यानी डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम को कहा गया है। कीप वार्म यानी प्रोवाइड कंफर्ट, चिल्लस लैंड यानी टफेस्ट टाइम्स इन लाइफ, अक्रम अ वेरी स्मॉल बिट। नेक्स्ट, यूज़ द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब, होप इज़ द थिंग विथ फीदर्स, डैट पर्च इन द सोल, पर्च का क्या रहेगा, परचेस इन द सोल। एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, सिंग का क्या रहेगा, सिंग्स आएगा, SINGS। एंड नेवर स्टॉप एट, नेवर स्टॉप के बजाय क्या आएगा, स्टॉप्स, यानी ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर्स वेयर आर डायरेक्टली गिवन, ये पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स है जिसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, वार्म वार्मर वार्मेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, लो लोअर लोएस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट। बी टेबल में भी ऐसा ही दिया गया है, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, सिंपल सिंपलर सिंपलेस्ट, क्लोज क्लोजर क्लोजेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। ये तीसरा एक टेबल दिया है, ये भी एडजेक्टिव क्या ही है, पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, प्रेटी प्रेटियर प्रेटियस्ट, नेस्टी नेस्टियर नेस्टियस्ट, एंग्री एंग्रियर एंग्रीएस्ट, हंग्री हंग्रियर हंग्रीएस्ट, नॉटी नॉटियर नॉटियस्ट। ख्याल रखिए कि ये पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो दो टेबल थे उसमें ER और EST लगता था, जबकि देखिए इसमें सारे के सारे Y पे ख़त्म हो रहे हैं, प्रेटी नास्टी एंग्री हंग्री नॉटी, तो इसमें IER लग रहा है और IEST लग रहा है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड द फ्रेजेस फॉर द लाइन्स, होप इज़ अ लाइट डेलिकेट थिंग, इसका आंसर क्या है, होप इज़ द थिंग विथ फीदर्स,
दूसरा होप ऑफर्स कम्फर्ट टू योर सोल, अब इसका आंसर क्या है, डैट परचेस इन द सोल। तीसरा होप इज़ नॉट अ वर्ल्डली थॉट, इट इज़ मोर लाइक अ फीलिंग एंड इमोशन, इसका आंसर क्या है, एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट वर्ड्स। फोर्थ वाला, इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स होप ऑफर्स द ग्रेटेस्ट कम्फर्ट, इसका आंसर क्या है, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड। पांचवा, होप इज़ नॉट ईजिली डिफीटेड, इसका आंसर क्या है, एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म डैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। सिक्स्थ, होप हैज़ गिवन कम्फर्ट टू मैनी पीपल, इसका आंसर क्या है, डैट केप्ट सो मैनी वार्म। सातवा, होप लिव्स ऑन इन वेरी हार्ड टाइम्स इवन वेन इट गेट्स नथिंग फ्राम यू, इसका आंसर क्या है, आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रांगेस्ट सी, स्ट्रेंजेस्ट सी, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट इज आस्ड अ क्रम्ब ऑफ मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस है। डार्कनेस यानी अंधेरा, सैडनेस यानी नाउमिदी दिखाता है, उदासी दिखाता है डार्कनेस। सनराइज़ न्यू बिगिनिंग यानी नई शुरुआत की तरफ इशारा है, सनराइज़ की तरफ से। ये डार्कनेस, सनराइज, सनशाइन, ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरीके से बयान किए जा रहे हैं, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग्स, ग्लूमीनेस, सनशाइन, हैप्पीनेस, आ रेनबो, हैप्पीनेस, डार्क क्लाउड्स, ग्लूमीनेस, अ पीकॉक, ब्यूटी, अ स्टॉर्म, ट्रबल, अ लाइट शावर, लिटिल जॉय, अर्थक्वेक, ट्रबल, लॉस, डॉन, अवेकनिंग, होप, राइज, डस्क, एवरी एवनिंग एंड ग्लूमीनेस, फ्लड, सॉरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट आंसर है, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने अपने आप को कैसे, आपकी उम्मीद को कायम रखा और अपनी जीत हासिल की। Write down your own experience. I am a good student and always work hard to get success. In the final exam, I studied hard and was hopeful to achieve good marks. But when results declared, I was very happy to secure top position in the class. It was a great experience for me. It taught me a lesson that I should have to keep faith in my ability. If you work hard, you definitely achieve success. आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड ऑलवेज़ वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, मैं बहुत ही अच्छा शानदार स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा बेहतरीन मेहनत करता हूँ कामयाबी हासिल करने के लिए। इन द फाइनल एग्ज़ाम में आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, एंड वॉज होपफुल टू अचीव गुड मार्क्स, और मुझे उम्मीद थी कि मैं बहुत अच्छे नंबरात लाऊँगा। बट वैन रिजल्ट डिक्लेयर्ड, लेकिन जब नतीजे ज़ाहिर हुए, आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सिक्योर टॉप पोजिशन, मैं बहुत खुश हुआ चूँकि मुझे टॉप पोजिशन मिली थी इन द क्लास। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा तजुर्बा था। इट टॉट मी अ लेसन, इससे मुझे एक सबक सीखने को मिला, डेट आई शुड हैव टू कीप फेथ इन माई एबिलिटी, कि मुझे अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, अपनी काबिलियत पर एतमाद करना चाहिए। इफ़ यू वर्क हार्ड यू डेफिनेटली अचीव सक्सेस, अगर आप सख्त तरीन मेहनत करेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।